लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो चुका है। आज यानी 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान होना शुरू हो गया था। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ के अलावा मथुरा की सीटें शामिल रहीं। ऐसे में 91 उम्मीदवार मैदान में रहे। साल 2019 में भाजपा ने अमरोहा छोड़कर यूपी की इन 8 सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार हर सीट पर भाजपा, सपा, कांग्रेस की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण की हॉट सीटों पर क्या है समीकरण, नजर डालते हैं। मथुरा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस सीट से हेमा मालिनी लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं और भाजपा ने एक बार फिर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस सीट से मुकेश धनगन को और बसपा ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट जाट बाहुल्य मानी जाती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर मथुरा सीट पर बसपा जाट दलित वोटों को जुटाने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी से अरुण गोविल मैदान में हैं, जो टीवी सीरियल रामायण में प्रभु राम की भूमिका निभा चुके हैं। सपा ने यहां से सुनीता वर्मा तो बसपा ने देवव्रत त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2019 के चुनाव में मेरठ सीट पर बीजेपी ने मामूली वोटों से जीत दर्ज की थी और उन्हें बसपा के याकूब कुरेशी ने कांटे की टक्कर दी थी। इस बार भी मेरठ का चुनाव बीजेपी बनाम बसपा होता नजर आ रहा है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह को टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दाब लगाया है। इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस ने यहां से डोली शर्मा को टिकट दिया है तो बसपा ने नंद किशोर पुंडीर को मैदान में उतारा है। वीके सिंह का टिकट कटने की वजह से ठाकुर समुदाय के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा ने महेंद्र नागर तो बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतार दिया है। नोएडा सीट पर तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 50-50 का चांस देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा में हेमा मालिनी को लगातार 3री बार टिकट मिला है और वो हैट्रिक लगाने की कगार पर देखी जा सकती हैं। डॉक्टर महेश शर्मा के अलावा अलीगढ़ से सतीश गौतम के सामने भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां से पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह भी मैदान में हैं और उनका एक गढ़ वहां पर माना जाता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से एनपी सिंह जी मौजूद हैं, कांग्रेस से मुन्ना खान साहब और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एनपी सिंह जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, पिछली बार जो चुनावी लड़ाई देखने को मिली और बीजेपी ने काफ़ी अच्छे से फाइट की और अपनी सरकार बना भी ली उन्होंने, लेकिन अब की बार जो पहले चरण में देखने को मिला और हम दूसरे चरण की भी फाइट देख रहे हैं, हम अगर नोएडा की बात करें तो 50% से भी कम मतदान फिलहाल यहाँ पर हुआ है, क्या वजह है इसकी? देखिए, बेसिकली नोएडा ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि हमारे शायद बहुत ज़्यादा वोट की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग छुट्टी चले जाते हैं, जबकि शुक्रवार को चुनाव का दिन रखा गया है, शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार को छुट्टी हो जाती है, ये सोचकर बहुत सारे लोग अपने गेहूं की कटाई गांव में चल रही है, गेहूं काटने के लिए कुछ लोग गांव चले गए, कुछ घूमने के लिए चले गए, जो कि थोड़ा सा नुकसानदेही हो सकता है, तो मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो वोटिंग हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ इस सीट को जीतकर आ जाएगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है उसमें। नहीं, अगर देखा जाए जब भी मतदान का प्रतिशत कम रहा है, बीजेपी को वहाँ पर घाटा हुआ है। अब 50% से कम मतदान होना कहीं ना कहीं यह संकेत करता है कि बीएसपी और सपा, आपका वोट बैंक का नुकसान
कर सकती हैं? नहीं, हमें इसलिए नुकसान नहीं हो रहा कि पिछली बार सपा और बसपा दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़े थे, इस बार सपा और बसपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों के जितने इकट्ठे वोट पिछली बार थे, इस बार दोनों के दो जगह वोट बटकर आएंगे, इसलिए हमारे वोट उनसे ज्यादा ही रहेंगे और पिछली बार से हमारा जो जीतने का मार्जिन है वो पिछली बार से ज्यादा रहेगा। चलिए ठीक है, मुन्ना खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये जो यूपी की 8 सीटें हैं, आप अपनी कांग्रेस को कहां पर देखते हैं? खान साहब खान साहब से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एनपी सिंह जी, जिस हिसाब से पहले चरण में हमने देखा, दूसरे चरण की भी फाइट हम देख रहे हैं जी, अभी एक समुदाय, राजपूत समुदाय भी नाराज है, उसका एक सीधा सा कारण यह बताया जा रहा है, ये जो बीजेपी ने अब की बार राजपूतों के टिकट काटे हैं, अगर हम गाजियाबाद की सीट का जिक्र करें जी, तो वीके सिंह का टिकट काट दिया वहां से, जी तो एक बड़ा खेमा इस बात से भी नाराजगी जाहिर करता है। कई जगह पंचायतें भी हुई राजपूतों की, उन्होंने पंचायतों में बोला भी कि भाई हम अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इससे नाराजी थी लोगों के अंदर, क्योंकि जब गाजियाबाद का टिकट काट दिया गया तो राजपूत समाज में एक मैसेज गया कि राजपूत का टिकट काट दिया गया है, तो उसमें लोगों ने नाराजगी जाहिर की और वो बात हाईकमान तक पहुंची हमारी पार्टी के, और उसके बाद में फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए, माननीय राजनाथ सिंह जी भी हमारे बीच में आए, तो लोगों को जब उनसे समझाया गया, उनसे बात की गई, तो लोगों की नाराजगी दूर हो गई इसमें काफ़ी हद तक। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से यहां टिकट काटा गया उसके बावजूद फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट कम रहा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसकी भरपाई कर दी गई, काफ़ी टिकट वहां पर दे दिए गए हैं, और मैं समझता हूं राजपूतों की नाराजगी अब आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। राजपूत समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की है, और इस आज का चुनाव में हम लोगों ने देखा है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हम जहाँ भी गए राजपूतों से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में देश के लिए, प्रदेश के लिए जो काम किया है, जिस तरह से कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरह से धारा 370 पर काम हुआ है, जिस तरह से राम मंदिर पर काम हुआ है, तो राजपूत समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज है, और राजपूत समाज आज की डेट में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये जो लोकसभा की 8 सीटें हैं, इन सीटों की जिम्मेदारी स्पेशल हमारे अमित शाह जी ने ली थी, और 8 सीटों पर उन्होंने अच्छे से वो रणनीति बनाकर तैयार की थी। हमारे साथ 8 सीटें हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत जी बिल्कुल। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुराग जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आप इन 8 सीटों को किस तरह से आकलन करते हैं, जो 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है, आपको क्या लगता है बीजेपी को इस बार नुकसान हो सकता है या पहले से ज्यादा मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर जीत हासिल करेंगे? अनुराग जी, लगता है अनुराग जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जो अभी दूसरा चरण शुरू हुआ है और आज मतदान संपन्न हो चुका है, कई जगह देखने को मिला कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, विरोध भी देखने को मिला। अगर हम मेरठ की बात करें, मेरठ से पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अरुण गोविल जी, लेकिन जैसे ही उनका नाम सामने आया उसके बाद उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई मेरठ में, लेकिन अब यहां पर समस्या ये देखने को मिल रही है, बीएसपी और सपा दोनों ने जातिगत जनगणना के आधार पर अपने प्रत्याशी को उतारा है। बात करें हम नोएडा सीट की, तो नोएडा सीट में अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कगार पर हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, ठीक है, अभी रिजल्ट बाकी है, और राजपूत समाज पहले से नाराजगी जाहिर कर रहा था, इसका फायदा सपा और बसपा ने उठा लिया। बसपा ने अपने प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी, जो राजपूत समाज से हैं, उनको उनके सामने खड़ा कर दिया। अब कितनी वोटों का नुकसान आपको यहां पर देखने को मिल सकता है?
देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं भी राजपूत समाज से आता हूँ। मैं भी कल भी हमारे बिसाड़ा के अंदर परसों माननीय राजनाथ जी आए थे, वहाँ पर लोगों से बात की है। उन्होंने लोगों को जो भी राजपूत समाज के लोग थे वहाँ पर आए थे, उनसे बातचीत की गई। और राजपूत समाज आज बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, लोगों से बात की गई है। और सपा और बसपा कभी भी ऐसी पार्टी नहीं रही है, वो देश की पार्टी रही हो, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है सपा और बसपा। और वो क्षेत्र में जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से आपने देखा होगा सपा के टाइम में किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, जिस तरह से यहाँ पर लूट, जिस तरह से यहाँ पर किडनैप, जिस तरह से यहाँ की उद्योगों को बंद कराया जाता था। आज पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, 10 साल पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए, नोएडा में बिल्कुल भी उद्योग खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ के उद्योग पलायन कर गए थे, कुछ उत्तराखंड चले गए थे, कुछ हिमाचल चले गए थे, बद्दी चले गए थे, चंडीगढ़ चले गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी के आने से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उद्योग खड़े किए गए हैं, जिस तरह से स्टार्टअप हुए हैं, बाहर से पैसा आया गया है जिस तरह से, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। और राजपूत समाज हमेशा अच्छे समाज के साथ खड़ा होता है, अच्छी सरकार के साथ खड़ा होता है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, राजपूत समाज आज इस सरकार के साथ है। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कहीं पर हमारा राजपूत समाज का विरोध है। बीच में बिल्कुल एक मैसेज आया था, उसके बाद सब लोगों से बात की गई, और आज कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज राजपूत समाज बिल्कुल खिलाफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटों को जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की सरकार बना सकती है। देश में सरकार बनाने के लिए सपा और बसपा कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती, वो कभी भी इंडिपेंडेंट अपनी सरकार नहीं बना सकती। केवल भारतीय जनता पार्टी भारत वर्ष के अंदर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है, और वही होगी। और पिछले 10 वर्षों में मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश और विदेशों में नाम पैदा किया है, आप देख सकते हैं, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो इजराइल का युद्ध हो, सब में हमने भूमिका निभाई है कि उनके साथ में उन युद्धों को रोका जाए, उनके साथ में हम लोगों ने पूरी भूमिका अदा की है। तो भारत सरकार अपने आप में मजबूत है, और भारत सरकार का नाम रोशन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया, उसको वही पूरा कर सकते हैं। सपा और बसपा कभी भी देश की सरकार नहीं बन सकती, सरकारी देश की पार्टी नहीं बन सकती, तो उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। राजपूत समाज नहीं, सारे देश के सभी जातियों के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, अनुराग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरे? जी बिल्कुल मिल पा रही है। अनुराग जी, मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है, अभी जो दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ है, अब इसमें बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि उसका सीधा सीधा विश्लेषण ये है, सपा ने अपने प्रत्याशी एक के बाद एक करके कई बार बदले बीजेपी के प्रत्याशी देखकर, लेकिन जिस हिसाब से आज वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद 1-2 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आप अपने नजरिए से किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर 2019 की बात की जाए, आज जो 8 सीटों पे चुनाव हुए हैं, उसमें से 7 सीटों पे भाजपा जीती थी, और सिर्फ एक अमरोहा की सीट ऐसी थी जिसपे बसपा जीती थी। जी, आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो अमरोहा की सीट है उसमें दानिश अली लड़ रहे हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे, दानिश अली जो कि एक अच्छे मजबूत दावेदार है उस सीट के लिए दोबारा, तो वो सीट भाजपा के हाथ से जा सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आज जो चुनाव हुए हैं वो गाजियाबाद के लिए हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर के लिए हुआ है, तो ये जो दिल्ली से लगती हुई पश्चिम यूपी की सीटें हैं, तो इसपे भाजपा जो है पिछली बार भी हालांकि जीती थी 8 में से 7 सीटें, बट पर बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीती थी पिछली बार भी। हाँ। ये जो सीटें हैं, तो अगर आप देखा जाए तो बहुत कांटे के टक्कर है, इतना जितना आसान इस बार हम लोग समझ रहे हैं उतना आसान इस बार भाजपा के लिए नहीं होगा जीतना जितना पिछली बार हुआ था, क्योंकि कम से कम यहाँ पे 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत कड़ी टक्कर है, और
जैसे कि आपने देखा कि ठाकुर समाज के भी जो लोग हैं वो काफी नाराज है, भाजपा ने जो टिकट भी दिए हैं अगर आप देखिए तो एक तो मनीष शर्मा जी को दिया है और एक गौर साहब को दिया है, तो ये जो है ठाकुर समाज को ऐसा लगता है कि उनकी अनदेखी होती है, उनको टिकट बंटवारे में जो है उनको भागीदारी दी नहीं जाती है भाजपा द्वारा। हालांकि लेकिन भाजपा के लिए जो कहा जाए जो फायदे का पॉइंट है या जो प्लस पॉइंट अगर मैं मानूंगा वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और योगी जी की लोकप्रियता, ये दोनों चीजों से भाजपा को काफी हद तक काफी वोट खींचने में सफल होती है। तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि भाजपा का पलड़ा भारी है, करीब 5 से 6 सीट फिर से भाजपा जीत सकती है 8 में से, और 2 से 3 सीट इस बार इंडिया गठबंधन जीत सकती है। मतलब 8 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें 2 से 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। एनपी सिंह जी, जो पिछली बार चुनाव हुए थे इन 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अभी अनुराग जी ने बताया जो अमरोहा सीट है वहां से 2014 में कंवर सिंह तंवर बीजेपी से लड़े थे, उस टाइम जीते, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब की बार भी क्या ऐसा हो सकता है कि वो सीट कहीं ना कहीं फंस जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार का जो समीकरण था वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और दोनों का वोट इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया था और हमारा कम रह गया था। जैसे कि अमरोहा सीट की बात करें या मुरादाबाद सीट की और उधर की भी बात करें तो हम लोगों को लॉस हुआ था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग हैं और जब जो वोट पहले इकट्ठा पड़ा था वो दो टुकड़ों में हो गया तो वो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी वहां सीट जीत जाएगी और सपा और बसपा सीट नहीं निकाल पाएंगी। वहां हमारा प्लस पॉइंट यही है कि वो दो हिस्सों में बंट गया। अभी जैसे ही हमने फील्ड में सर्वे किया और गौतम बुद्ध नगर के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर हमें ये भी सुनने को मिला कि डॉक्टर साहब महेश शर्मा जी तो जीतने के बाद अभी तक हमारे गांव में नहीं आए हैं। जी ऐसा क्यों? नहीं देखिए, ऐसा हो सकता है, बहुत जगह कैंडिडेट की शिकायतें बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे लोग उनसे संतुष्ट नहीं भी हो सकते, लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इतना काम देश के लिए किया है कि उसके पीछे उसके सामने सभी ये सब बातें छोटी पड़ जाती हैं कि हमारे प्रतिनिधि गांव में नहीं गए या किसी शहर में नहीं गए या किसी सेक्टर में नहीं गए, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब ऊपर ये देखा जाता है कि देश की सरकार बनाने के लिए कैसे आदमी की आवश्यकता है, कौन इस देश को ज्यादा आगे ले जा सकता है, कौन इस देश को विकसित कर सकता है, तो उसके सामने ये बातें छोटी हो जाती हैं और आदमी यही देखकर वोट देता है कि भाई इस देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस सारी चीज को देखते हुए सब लोग फिर उसी जगह आ जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री हमने मोदी जी को बनाना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं, चाहे वो डॉक्टर महेश शर्मा जी हों, चाहे वो अतुल गर्ग जी हों या कोई भी जिस क्षेत्र में होंगे, उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है वो प्रधानमंत्री के नाम के साथ ही जुड़ने के बाद हो जाती है। ठीक है अनुराग जी, अमित शाह जी और मोदी जी ने सबके सामने बोला है और खुलकर बोला है कि अब की बार 400 पार, आपको ये कितना संभव लगता है? जी ये देखिए, ये तो हर हर जो पॉलिटिकल दल होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी होती है, अपने अपने कुछ ना कुछ एक टारगेट रखती है या एक दावा एक करती है। लेकिन ये जो 400 पार का जो ये बोल रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी बहुत ना के बराबर उम्मीद है कि ये 400 का आंकड़ा छू सके, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जो साउथ इंडिया है कि ये जो कर्नाटक तमिलनाडु और जो केरला आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये जो 5 राज्य हैं इनसे मिला के करीब 120 सीटें आती हैं लोकसभा की, और इसमें जो है वो जो कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है। और इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो इस बार बिहार में भी सीटें
भाजपा कम जीतेगी पिछली बार से, 4 या 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। फिर महाराष्ट्र में कम से कम 10 से 12 सीट का भाजपा को और एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो आप देखिए, और अगर दूसरी तरफ आप देखिए तो ऐसे कौन से राज्य है जिसमें भाजपा को फायदा हो सकता है, पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती है। ऐसे 2 स्टेट भी कोई गिना नहीं पाएगा, ऐसे दो राज्य भी पूरे भारत में नहीं गिना पाएगा कोई जिसमें भाजपा की सीट पिछली बार से ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर भाजपा की पिछली बार 303 सीट आई है और अगर कुछ राज्यों में भाजपा को नुकसान हो रहा है, तो ये कैसे संभव हो सकता है भाजपा 370 सीट जीत जाए और एनडीए 400 के पार पहुंच जाए? ये ख्याली पुलाव है। ये एक तरीके से मैं कहूंगा कि बहुत एक टारगेट जरूर भाजपा ने सेट किया है, जो कि इस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि भाजपा का पलड़ा इस चुनाव में भारी है और सरकार भाजपा और एनडीए बना सकती है। और जहां तक है कि ज्यादातर जो ज्यादा चांसेस हैं वो यही है कि भाजपा और एनडीए की सरकार ही बनेगी, पर जितने मतों से वो कहते हैं या जितनी सीटें वो कह रहे हैं उतनी सीटें जीत के नहीं बन पाएगी। मतलब अभी बीजेपी सबसे आगे फाइट में जरूर है, लेकिन बीजेपी को पहले के मुकाबले नुकसान हो सकता है। एनपी सिंह जी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग जी का आंकलन अपने हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक योग्य, एक काम करने वाला, एक देश का मजबूत नेता भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हैं। हमें इसलिए फायदा होगा, इसलिए हमें लाभ होगा कि जो दूसरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है या दूसरी पार्टियां हैं, उनके पास अभी भी कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है जो इतना मजबूत हो, इतना अच्छा काम कर सकता हो, जिसको देश की जनता कहे कि देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो मायावती जी हो सकती हैं, चाहे अखिलेश जी हो सकते हैं, या कोई भी, उनके गठबंधन के साथ कोई भी ऐसा नेता अभी तक नजर नहीं आया है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सके और जिसको देश की जनता, देश का प्रधानमंत्री सोचकर वोट दे। लेकिन भाई नरेंद्र मोदी जी इस पद के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हमारे पास है देश के प्रधानमंत्री के रूप में। इसलिए देश की जनता मजबूत प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 सीटों से ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। प्रधानमंत्री पद का एक उपयुक्त उम्मीदवार होने के कारण हम लोग दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है गठबंधन के कि जो ऐसा नेता हो जो देश का बड़ा नेता, देश का प्रतिनिधित्व कर सके, देश का प्रधानमंत्री बन सके। अगर कोई नाम ही नहीं है उनके पास तो किसके नाम पर वोट मांगेंगे, किस किस के नाम पर वो अलग चलेंगे? तो इसलिए हम कहते हैं अब की बार 400 पार। धन्यवाद अनुराग जी। जो बीजेपी के बूथ एजेंट हैं पन्ना प्रमुख, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी थी कि एक पन्ना प्रमुख अपनी जिम्मेदारी पर कम से कम 60 वोट डलवाएगा। अब दूसरे चरण में जिस हिसाब से मतदान प्रतिशत रहा है, खासकर हम गौतम नगर की बात करें तो 50% से भी कम रहा है, तो क्या जो जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे वो सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? जी देखिए, ये बूथ मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, और अमित शाह जी तो इसके बहुत ही एक उम्दा और बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं। अब लेकिन जहां तक बात आती है, जरूर बूथ लेवल के लोग जो होते हैं कार्यकर्ता, वो जरूर मेहनत जरूर करते हैं। लेकिन अब कई बार ये होता है, अगर आप देखा जाए गौतम बुद्ध नगर ज्यादातर इलाका इसमें नोएडा का आता है, थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा का भी आता है, तो ये जो इलाके ऐसे होते हैं ये थोड़े ग्रामीण इलाके हैं, ये थोड़े से जो है आपके अर्बन इलाके हैं। तो जो इस तरीके के जो होते हैं शहरी इलाके, उसमें कई बार आप हमेशा हमने देखा है कि वोट प्रतिशत हमेशा थोड़ा कम होता है, क्योंकि आदमी, और गर्मी का मौसम है, आप ये देखिए करीब करीब 40 डिग्री तापमान छू गया था आज, तो गर्मी के मौसम में कई बार ये होता है कि शहरी जो मतदाता होता है वो वोट देने बाहर नहीं निकलता है, तो इस कारण वोट प्रतिशत कम हो गया होगा। और इसके पहले जो भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन जो बोल रहे थे कि 400 पार जो है संभव है, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप कोई भी ऐसे भारत के कोई भी 2 राज्य ऐसे बता दीजिए जहां भाजपा की सीट पिछले चुनाव 2019 के चुनाव के मुकाबले बढ़ेगी,
ठीक है एनपी सिंह जी, कोई दो राज्य ऐसे बता दीजिए जो अब की बार आप वहां से फायदे में रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश में फायदे में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में श्री राम भगवान जी का मंदिर बन गया है, तब से उत्तर प्रदेश की जनता में जागरूकता आई है और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि हमारी सीटें और बढ़ जाएंगी, इसलिए हम 400 पार की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम लोग राजस्थान में या हरियाणा में या सब जगह जहां जहां भी, उत्तराखंड में, बिहार में हमारी सीटें इस बार बढ़ेंगी। बिहार में हम लोग और सीटें ज़्यादा लेकर जाएंगे क्योंकि बिहार में भी कानून की व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है उसके बाद से। बीच में जो हमारे नीतीश जी उधर चले गए थे और वहां पर जो गुंडाराज बढ़ गया था, उसके बाद फिर वहां पर कानून की व्यवस्था में सुधार आया है और हम लोग बिहार में भी अपनी सरकार में हमारे कैंडिडेट बढ़ेंगे, हमारे एमपी बढ़ेंगे और बंगाल में भी हमारे एमपी इस बार ज्यादा बढ़ के आएंगे, इसलिए हमारी सीटें बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर हम हरियाणा की बात करें, जब से गठबंधन टूटा है, बोलना चाहूंगा जी, बोलिए। मैं ये कह रहे हैं कि बिहार में इनकी सीटें बढ़ेंगी तो 2019 के चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन की 40 में से 39 सीट आई थी, 40 में से 39। तो क्या ये कह रहे हैं कि इस बार 40 में से 40 पूरी की पूरी सीटें बिहार में भाजपा की आएगी? और बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं भी आपके सवाल पर आने वाला था। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पिछली बार बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार जो आपने मुख्यमंत्री बदले हैं और चौटाला जी ने जो गठबंधन तोड़ा है, उसके बाद से वहां की जनता खुद नाराज है। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार भी 10 में से 10 सीट ले आएंगे आप? क्योंकि रोहतक की सीट की बात करें तो अरविंद शर्मा का वहां पर विरोध चल रहा है। देखिए वहां पर भी हमें पूरी मिलने की संभावना है जी। और हमारी बंगाल में सीटें बढ़ेंगी, उसकी हमें पूरी संभावना है कि हम बंगाल से सीटें अपनी एवरेज पूरा करके ले आएंगे। और उत्तर प्रदेश और बंगाल में हमारी जो सीटें बढ़ेंगी, उससे हमारा आंकड़ा पहले से बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरजे न्यूज। नमस्कार।